नमस्कार साथियों स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट ग्रुप पर मैं हूं राकेश सिहाग एक बार फिर आप से आप सभी का स्वागत करता हूं इस केमिस्ट्री की क्लास में रफ्तार बैच में जो स्पेशल डेडिकेटेड है ए एल टेक्नीसियन और जेई के लिए इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगा क्योंकि ये जो सिलेबस है मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो सिलेबस है या ये, ये जो बैच है ये पूरा एन का बैच है एन सी आर टी नाइन टेंथ और इलेवंथ की जो एन सी आर टी वो मैं आपको करवा रहा हूँ तो शानदार तरीके से हम करेंगे शानदार तरीके से पढ़ेंगे साथियों बहुत आपको मज़ा आएगा और प्रत्येक प्रकार के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करके आओगे ये मुझे विश्वास है क्योंकि तो मुझे कंटेंट के ऊपर विश्वास है कंटेंट बड़ा जानदार है बड़ा शानदार है बस आपको अच्छे से देखना है अच्छे से नोट्स आपको तैयार करने हैं इसके साथ साथ जो इसकी पी है साथियों वो भी आपको दे दी जाएगी कोई टेंशन की बात नहीं है प्रत्येक क्लास के बाद आपको पी मिल भी जाती होगी मिल भी जाएगी प्रिंटेड नोट्स भी आपको फ्री में बिल्कुल अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो साथियों हमारी दो क्लासें पीछे हो गई हैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से उनको देख लिया होगा और आपको मजा भी आया आया होगा अच्छे से आपने नोट्स तैयार किए होंगे तो सीक्वेंस से अगर आप पढ़ोगे लगातार पढ़ोगे तो आपको याद भी होगा मज़ा भी आएगा और आप केमिस्ट्री को अच्छे से कर भी पाओगे क्योंकि केमिस्ट्री को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है साइंस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारा होता है जैसे बायोलॉजी हो गया उसके बाद फिजिक्स उसके बाद आती है हमारी केमिस्ट्री केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है लेकिन हम इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका सपना है अगर आप किसी सब्जेक्ट को ये मानोगे कि ये बोरिंग है या ये है तो साथियों शायद साथ आप उसको कवर नहीं कर पाओगे इसलिए आपको एक मोटिवेशन के तौर पर लेना है और हमें फोड़ना है इसको अच्छे से बस आपका प्यार और साथ चाहिए आपके लिए पूरी मेहनत आपका भाई करेगा जैसे कि पीछे के दो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी था मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में ही कुछ बताया था तो आज की क्लास शुरू करूँ एक छोटी सी कविता से और साथियों कविता है केमिस्ट्री के ऊपर बड़ी शानदार किसी ने जो लिखी है बड़ी शानदार लिखी है साथियों बहुत शानदार लिखी है उसके कुछ बोल मैं आपको सुनाना चाहूँगा उसके बोल मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो कविता है वो है जो पोईम है वो है केमिस्ट्री के ऊपर कि ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं साइंस का स्टूडेंट होता ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं साइंस का स्टूडेंट होता ना ये लैब होती ना ये एक्सीडेंट होता अभी प्रैक्टिकल में दिखाई दी एक लड़की नाक थी सुंदर उसकी टेस्ट ट्यूब जैसी अच्छा बढ़िया व्याख्यान किया है एक लड़की के बारे में केमिस्ट्री से रिलेट किया है कि उस लड़की की जो नाक है वो टेस्ट ट्यूब परखनली जो होती है उसके जैसी सुंदर है उसके आगे है कि बातों में उसके ग्लूकोज की मिठास थी या फिर फ्रेक्टोज की मिठा, मिठास थी साथियों सबसे मिठी जो सरकरा होती है ग्लूकोज होती है वो होती है आपकी फ्रेक्टोज तो बातों में उसके फ्रेक्टोज की मिठास थी सांसों में उसके एस्टर की खुशबू भी साथ थी शानदार आंखों से जलकता था कुछ इस तरह का प्यार बिन पिए ही हो जाता था एल्कोहल का खुमार शानदार क्या बात है बिन पिए ही हो जाता था एल्कोहल का खुमार बेंजिन सा होता था उसकी प्रेजेंस का एहसास बेंजिन सा होता था उसकी प्रेजेंस का एहसास अंधेरे में होता था रेडियम सा प्रकाश अंधेरे में होता था रेडियम सा प्रकाश नजरें मिली रिएक्शन हुआ नज़रें मिली रिएक्शन हुआ कुछ इस तरह लव का प्रोडक्शन हुआ कुछ इस तरह लव का प्रोडक्शन हुआ लगने लगे उसके घर के चक्कर ऐसे जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हो जैसे न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से उस कन्या के घर के आगे चक्कर लगने लगे बहुत शानदार है आगे देखो उसके बाद है उस दिन हमारे प्यार के टेस्ट का कन्फर्मेशन हुआ जब उसके डैडी से हैं हमारा इंट्रोडक्शन हुआ जिस दिन उसके डैडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ सुनकर हमारी बातें वो इस प्रकार उछल पड़े जैसे पानी में सोडियम भड़क उठे सुनकर बातें हमारी वो इस तरह भड़क उठे या इस तरह उछल पड़े पानी में जैसे सोडियम भड़क उठे वो बोले होश में आओ वो बोले उसमें आओ पहचानो अपनी औकात आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ उस लड़की की जो तुलना है वो गोल्ड से की है और हमारी या आपकी जो भी मतलब वो लड़का था उसकी जो तुलना है वो लोहे से की है आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ ये सुनकर टूटा हमारे अरमानों भरा बिकर ये सुनकर टूटा हमारे अरमानों भरा बीकर और हम चुप रहे बेंजिलडेहाइड का कड़वा घूंट पीकर बेन्जिल जो होता है वो सबसे खारा होता है हम चुप रहे बेंजिलडेहाइड का कड़वा घूंट पीकर उसके बाद कहा है कि अब उसी की यादों में अब उसी के यादों के सिवा हमारा काम चलता नहीं अब उसकी यादों के सिवा हमारा काम चलता नहीं था और लैब में हमारे दिल का हमारे दिल के सिवा और कुछ जलता नहीं था अब लैब में हमारे दिल के सिवा और कुछ जलता नहीं था जिंदगी हो गई अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन की तरह जिंदगी हो गई अनस्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन की तरह और हम फिरते हैं आवारा हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन का आवारा तत्व कहा जाता है उसी प्रकार से हम फिरते हैं शानदार किसी ने लिखी है बहुत शानदार संजोया इस पंक्तियों को मैं उनको दिल दिल से धन्यवाद देता हूँ बहुत शानदार बातें लिखी हैं चलिए ये तो हमारी तो एक कविता थी एक पोइम थी जो मैंने आपको बताने की सुनाने की कोशिश की अब शुरू करते हैं हमारी क्लास अब हमारी क्लास शुरू करते हैं मैंने आपका टाइम खराब किया इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन मन किया साथियों सुना दिया आपको ही तो सुना सकता हूँ और किसी सुना सकता हूँ तो जैसे कि आपको पता है हमारा रफ्तार बैच चल रहा है और ये इन एग्जाम्स को कवर करता है चलिए शुरू करते हैं इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था तत्व और अणु के बारे में तत्व यानी एलिमेंट अणु यानी मोलिक्यूल क्या होते हैं ये समूह बनाते हैं समूह बना के दो प्रकार के तत्व दो प्रकार के पदार्थ बनाते हैं एक कहलाता है मिश्रण एक कहलाता है यौगिक तो आज हमें जो पढ़ना है वो मिश्रण के बारे में पढ़ना है क्योंकि तत्व और यौगिक के, के बारे में तत्व और अणु के बारे में हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मिश्रण के बारे में चलिए शुरू करते हैं मिश्रण को मिश्रण मिश्रण क्या है सबसे पहले बात आती है मिश्रण किसे कहते हैं मिश्रण है क्या तो मिश्रण के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं दो या दो से अधिक पदार्थ हैं उनको आप किसी भी अनुपात में मिला दो किसी भी अनुपात में और उसके बाद जो पदार्थ तैयार होगा उसको हम मिश्रण कहेंगे जैसे आपके पास में जैसे नमक है और एक आपके पास में मतलब पानी है अब कितना भी नमक मिला दो कितना ही पानी मिला दो मान लो नब्बे परसेंट हमने क्या मिला दिया नमक मिला दिया और दस परसेंट हमने मिला दिया पानी सौ परसेंट विलियन हमारा तैयार हो गया तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण है और अगर हमने दस परसेंट नमक मिलाया और नब्बे परसेंट पानी मिलाया तो भी ये आपका क्या है एक प्रकार का मिश्रण ही है तो कहने का मतलब किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिला देते हैं किसी भी अनुपात में कोई अनुपात निश्चित नहीं है इनका किसी भी अनुपात में मिला दें तो किसका निर्माण होता है मिश्रण का निर्माण होता है का मतलब किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है किसी भी अनुपात में किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला सकते हैं पदार्थों को मिला सकते हैं मिला सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है अब बात आती है मिश्रण के गुण की मिश्रण की क्या प्रॉपर्टीज है इसका क्या गुण है साथियों इसकी एक विशेषता है और वो विशेषता बड़ी जरूरी है विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट है विशेषता के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है इसकी विशेषता क्या मिश्रण की विशेषता क्या होती है जो मिश्रण होता है उसमें उसके जो अवयवी अवयव जो होते हैं अवयव उन अवयवों के जो गुण हैं वो मौजूद होते हैं अवयवों को अवयवों के जो गुण हैं वो क्या होते हैं मौजूद जैसे समझना इस बात को जैसे नमक और पानी को मिलाने से एक मिश्रण तैयार हुआ और मिश्रण तैयार हुआ जैसे ये मान लो तो नमक है और ये हमारा पानी है और इनको मिलाने से हमारा मिश्रण तैयार हो गया तो इस मिश्रण के अंदर आपको नमक भी मिलेगा इस मिश्रण के अंदर आपको पानी भी मिलेगा यानी इस मिश्रण के अंदर इस पानी का गुण भी मिलेगा और इस मिश्रण के अंदर आपको किसका गुण मिलेगा नमक का गुण भी मिलेगा यानी जिनसे ये मिलके बना है यानी इनके जो अवयवी यौगिक हैं या इनके जो अवयवी पदार्थ हैं जिनसे ये मिलकर बना है उनको अवयव कहते हैं बात आई सुन जैसे ये पैन है ये इस निब से या इस पदार्थ से मिलकर बनी है तो ये इसके अवयवी पदार्थ हैं। इसी प्रकार से कोई मिश्रण है वो जिनसे मिलकर बनता है उनको कहते हैं अवयव तो मिश्रण के अंदर उनके अवयवों का जो गुण है वो मौजूद होता है लेकिन यौगिक जो है यौगिक जैसे आप बात करो मिश्र धातु की मिश्र धातु जो मिश्र धातु उसमें गुण होता जरूर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता आई बात सुन। जैसे दो पदार्थ हमारे पास एक का हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है अभी ये हमारा नमक ये नमक का गुण है और ये पानी का गुण है एक पदार्थ ऐसा है जिसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा तो जिसमें दिखाई नहीं दे रहा जिसको हम पता नहीं लगा सकते उसको हम मिश्रण नहीं कह सकते मिश्रण किसको कहेंगे जिनके अवयवी जिसके अंदर अवयवी गुण मौजूद हो गलिए अरे बात

इसमें बहुत सारी प्रकार की गैसें मिलती हैं और उनके गुण भी मौजूद होते हैं जैसे नाइट्रोजन है नाइट्रो तो नाइट्रोजन गुण हमारी वायु में मौजूद है ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन का, का भी इसमें क्या है मौजूद गुण है इसका मतलब ये एक प्रकार का मिश्रण है वायु हो गया इसके साथ साथ अगर हम बात करें बारूद की तो बारूद हो गया बारूद के अलावा हमारा सीमेंट हो गया सीमेंट वो भी एक प्रकार का मिश्रण है सीमेंट इसी प्रकार से हमारा विलियन हो गया किसी भी प्रकार का विलियन सोल्यूशन होता है विलियन होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है विलियन जैसे नमक पानी का विलियन चीनी पानी का मिली विलियन रेत और पानी का विलियन तो जितने भी विलियन होंगे वो तो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे मिश्रण कहलाएंगे अब कुछ बातें हम करते हैं इस बारूद के बारे में यहां पर बात बात हम बारूद की कर लेते हैं क्योंकि बारूद के बारे में थोड़ी सी बात आई है तो बारूद के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बारूद की खोज किसने की थी इसकी डिस्कवरी किसने की कि थी तो बारूद की जो खोज की गई थी साथियों वो की गई थी रोजर डेकन के द्वारा रोजर बेकन के द्वारा सॉरी रोजर बेकन के द्वारा रोजर बेकन नाम का एक वैज्ञानिक था उसने सीमेंट सॉरी बारूद की क्या की थी खोज की थी अच्छा ये जो बारूद होता है ये किस किस पदार्थ का मिश्रण होता है यानी बारूद जो है वो किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि बारूद किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है ये क्वेश्चन पूछते हैं साथियों तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना हमारा जो चारकोल होता है चारकोल चारकोल इसके साथ साथ चारकोल के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है सोरा जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के एन ओ थ्री के एन ओ थ्री पोटेशियम नाइट्रेट और इसके साथ साथ में गंधक यानी जिसको हम सल्फर कहते हैं गंधक को क्या कहा जाता है सल्फर इसको हम सल्फर कहते हैं सल्फर तो हमारा जो बारूद है वो चारकोल का सोरा सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट और गंधक यानी सल्फर का क्या होता है मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं साथियों सीमेंट के बारे में एक यहां पर बात सीमेंट की भी आई है तो सीमेंट के बारे में बात करते हैं सीमेंट जो है वो किन किन पदार्थों का मिश्रण है सीमेंट जो वो किन किन पदार्थों का मिश्रण उनकी बात करते हैं तो सीमेंट जो है वो एक तो आपका एस टू एस आई ओ टू यानी सिलिका इसको कहा जाता है सिलिका सिलिका और एक आपका होता है सी यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चुना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है चुना कहा जाता है चूना कैल्सियम ऑक्साइड यानी चुना और सिलिका का मिश्रण होता है कौन आपका सीमेंट तो ये कुछ बातें हैं सीमेंट के बारे में बारूद के बारे में और मैंने आपको मिश्रण के बारे में बताया मिश्रण क्या है किसे मिश्रण कहते हैं उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आई होगी अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की मिश्रण के प्रकार मिश्रण के प्रकार मिश्रण कितने प्रकार का होता है तो साथियों जो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है दो प्रकार का पहला जो है वो है समांगी मिश्रण और दूसरा जो है प्रकार वो है आपका विषमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण तो समांगी मिश्रण क्या है विषमांगी मिश्रण क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण की समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या mm. है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं साथियों ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो अवयवी पदार्थ जो हैं वो एकदम से मिले होते हैं यानी वो अच्छे तरीके से क्या होते हैं गुले होते हैं अच्छे तरीके से मिले होते हैं यानी उनका जो वितरण होता है वो एक समान होता है यानी ऐसा मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव जो है अवयव वो उनका जो वितरण है अवयवों का जो वितरण है वो क्या होता है समान होता है समान यानी कहने का मतलब एकदम से घुले होते हैं उनकी पहचान हम अलग अलग से नहीं कर पाते अगर जिनकी पहचान हम अलग अलग पहचान नहीं कर सकते अलग अलग जो पहचान है वो नहीं कर सकते पहचान नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं तो पहले आपके दिमाग में ये जो डाउट है ये क्लियर होना चाहिए भी समांगी मिश्रण क्या है ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों का जो वितरण होता है जो फैलाव होता है जो वितरण होता है वो समान रूप से होता है जिनकी हम अलग अल अलग से पहचान नहीं कर पाते जिनको हम अलग अल अलग से नहीं देख पाते उन पदार्थों को या उन मिश्रणों को हम क्या कहते हैं उनको कहते हैं समांगी मिश्रण जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं उसके बाद आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल पढ़ते हैं और एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जैसे वायु है वायु अच्छा वायु में तो बहुत सारी गैसें हैं आप बता सकते हो इस वायु के अंदर ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है ये आर्गन है बता सकते हो नहीं बता सकते इसका मतलब वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है क्योंकि इसके अंदर जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और जो हमारी आर्गन जितनी भी गैसें हैं वो एकदम से अच्छे से मिली हैं। उनकी अलग अलग से हम पहचान नहीं कर सकते इसलिए एक प्रकार का क्या हो गया समांगी मिश्रण हो गया कलिए रे बात अच्छा इसके अलावा आपका जो सीमेंट है सीमेंट जो सीमेंट है वो भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है आपके पास मान लो सीमेंट है उसमें आप ये बता सकते ये चूना है और ये सिलिका है नहीं बता सकते तो क्या एक प्रकार का समांगी मिश्रण है? है इसी प्रकार से बारूद बारूद जो है बारूद वो भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है क्योंकि तो बारूद को आप देख के ये नहीं बता सकते कि ये रहा चारकोल ये रहा सोरा और ये रहा गंधक नहीं बता सकते नहीं बता सकते साथियों इसका मतलब ये क्या है समांगी मिश्रण है हम अलग अलग इनकी पहचान नहीं कर पाते इसी प्रकार से हम बात करें जैसे नमक प्लस पानी या फिर चीनी प्लस पानी इनका जो विलियन है इनका जो विलियन है यह भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है ये समांगी मिश्रण क्यों है क्योंकि नमक और पानी को मिलाने के बाद आप ये नहीं कह सकते ये नमक रहा और यह पानी रहा नहीं बता सकते इसका मतलब ये क्या हो गया आपका समांगी मिश्रण हो गया इसी प्रकार से जितनी भी मिश्र धातुएं होते हैं जितनी भी मिश्र धातुए जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं वो आपके समांगी मिश्रण में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया साथियों बहुत ज्यादा बार मिश्र धातु क्या है समांगी विषमांगी दोनों या इनमें से कोई नहीं तो आपका उत्तर होगा आपका आंसर होगा समांगी क्योंकि मिश्र धातु जैसे पित्तल मिश्र धातु है पीतल 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 आपके घर में सभी के काम आता है पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है तांबा और जिंक से तांबा और जिंक को मिलाने पर पित्तल का निर्माण होता है अब आप पित्तल को देख के ये नहीं बता सकते कि यह तांबा रहा और यह जिंक रहा नहीं बता सकते इसका मतलब ये क्या है समांगी मिश्रण है एक मैं आपको एनसीआरटी का उदाहरण बताता हूं बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु में एनएच थ्री का विलियन एनएच का मतलब होता है अमोनिया अमोनिया एक प्रकार की गैस है तो वायु के अंदर अगर हम अमोनिया मिला देंगे अमोनिया गैस मिला देंगे तो वो एक विलियन तैयार होगा वो विलियन किस प्रकार का विलियन होगा वो आपका एक समांगी मिश्रण होगा क्यों क्योंकि वायु के अंदर अगर हम गैस को मिलाएंगे तो वायु भी गैस है और हमारी जो गैस है अमोनिया वो भी एक प्रकार की गैस है इसका मतलब वो क्या हो गया समांगी मिश्रण हो गया तो ये कुछ समांगी मिश्रण के उदाहरण है और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वायु क्या है बारूद क्या है सीमेंट क्या है मिश्र धातु क्या है तो आपका उत्तर होगा समांगी मिश्रण खत्म बात यह था आपका समांगी मिश्रण अब साथियों हम बात करते हैं के साथ साथ विषमांगी मिश्रण की हम बात करते हैं किसकी विस्मांगी मिश्रण की तो हम समांगी मिश्रण में क्या पढ़े हैं समांगी मिश्रण में अवयवों का जो वितरण होता है वो समान होता है तो इसमें वितरण क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा इसमें जो वितरण है वो क्या हो जाएगा असमान यानी कहने का मतलब हम क्या नहीं कर सकते अलग अलग पहचान अलग अलग पहचान कर सकते हैं अलग अलग जो पहचान है वो कर सकते हैं अलग अलग पहचान हम कर सकते हैं कैसे जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं पानी प्लस रेत पानी और रेत को आप मिला दोगे तो वो है तो एक प्रकार का मिश्रण लेकिन आप पानी और रेत को अलग अलग से बता सकते हो क्योंकि तो पानी ऊपर रहेगा रेत नीचे रहेगी तो आप बता सकते हो कि ये रहा पानी और ये रही रेत इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एक प्रकार का विस्मांगी मिश्रण है क्योंकि तो इसके जो अवयव हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग से बता सकते हैं कि ये ये पदार्थ है और ये ये पदार्थ है तो बात खत्म साथियों हो गया आपका विस्वांगी मिश्रण और जिसमें नहीं बता सकते वो आपका समांगी है और जिसमें बता सकते हैं वो क्या है आपका विस्मांगी है तो पानी और रेत का जो मिश्रण है वो एक प्रकार का क्या है विषमांगी है इसी प्रकार से पानी और तेल पानी प्लस तेल या फिर घी पानी के अंदर आपने तेल मिला दिया या पानी के अंदर आपने घी मिला दिया तो साथियों बता सकते हो आप अलग अलग से पानी की परत नीचे तेल की परत ऊपर तो ये रहा तेल ये रहा पानी बता सकते हैं इसका मतलब विषमांगी है पहचान कर सकते हैं अलग अलग से तो ये विषमांगी है तो ये था साथियों समांगी और विषमांगी मिश्रण का मतलब टॉपिक समांगी और विषमांगी में आपको इतना सा ध्यान रखना था कि समांगी मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हैं और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हैं इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी उम्मीद कर सकता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब इससे आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट गैसों के घुलनशीलता के बारे में पानी के अंदर घुलनशीलता के बारे में बात करेंगे पानी के अंदर कौन सी गैस कितनी घुलनशील है क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पानी में घुलनशीलता की बात पानी में घुलनशीलता पानी में घुलनशीलता बड़ा ही शानदार टॉपिक है पानी में घुलनशीलता कि कौन से गैस की या कौन से पदार्थ की घुलनशीलता कितनी है तो प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी है सबसे ज्यादा घुलनशील गैस घुलनशील गैस पानी के अंदर वाटर के अंदर सबसे ज्यादा घुलनशील जो गैस है साथियों उसका नाम है NH3, थ्री थ्री बोले तो अमोनिया और एक आपकी सी एल टू यानी क्लोरीन तो क्लोरीन गैस और NH3 थ्री गैस एक नंबर ये अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो आपका उत्तर हो जाएगा ये क्लोरीन तो सबसे अधिक जो घुलनशील गैस है साथियों वो है आपकी अमोनिया गैस पानी के अंदर सबसे ज्यादा अमोनिया घुलती है और उसके बाद बारी किसकी आती है क्लोरीन की उसके बाद बात करते हैं सबसे कम की सबसे कम घुलनशील कौन सी गैस है सबसे कम घुलनशील तो सबसे कम घुलनशील की अगर हम बात करें तो एक तो आपकी हो जाती है नाइट्रोजन और एक हो जाती है आपकी ऑक्सीजन एक नंबर नाइट्रोजन दो नंबर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो आपकी सबसे कम घुलनशील गैसें हैं पानी के अंदर सबसे कम मात्रा में गुलती हैं इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीन नंबर तो आपका जो एल्कोहल होता है एल्कोहल एल्कोहल वो पानी में अच्छे से घुलनशील होता है अच्छे से घुलनशील अच्छे से घुलनशील होता है एल्कोहल जो होता है वो पानी में अच्छे से घुलनशील होता है साथियों, शायद साथ आपको पता भी होगा एल्कोहल का मतलब होता है शराब दो पैग पिला दे साथिया बाकी मेरे पे ढोल दे सुना होगा आपने अगर आप मेरे आसपास के हैं तो पंजाबी सोंग है शानदार सॉन्ग है तो उसमें अच्छे से आपको पता है कि शराब में हम पानी कितना भी मिला सकते हैं यानी ये पानी में अच्छे से गुलंदशील है अगर आप शराब के अंदर बैग के अंदर अगर आप पानी मिलाते हो तो पानी अलग नहीं रहता पानी उसके अंदर विलीन हो जाता है बिल्कुल घुल जाता है आई बात में बिल्कुल इसके बाद बात करते हैं पारा और बेंजिन की चार नंबर पारा यानी जिसको मरकरी कहते हैं और आपका जो बेंजिन है बेंजिन बेंजिन ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं ये बड़ा शानदार पॉइंट है साथियों कि पारा और जो बेंजिन है वो पानी के अंदर घुलते नहीं है वो अघुलनशील हैं तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है यहां पर कि निम्न में से कौन सा घुलनशील है और कौन सा अघुलनशील है तो पारा और बेंजिन दो नाम याद रखना पारा और बेंजीन दोनों घुलनशील नहीं है ये अघुलनशील है घुल नहीं सकते पानी के अंदर तो ये कुछ बातें थी साथियों जो आपको याद रखनी थी इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है जो इथर होता है इथर एक कार्बनिक पदार्थ होता है इथर इथर जो है वो आंशिक आंशिक गुलंदनशील होता है ये नाम आशिक नहीं है आंशिक आंशिक का मतलब होता है कम और आशिक का मतलब आपको पता ही क्या होता है आशिक दीवाना पागल जो होता है ना पागल जिसको बोलते हैं आसिक दीवाना पागल वो है आसिक और ये है आंशिक कम ठीक है चलिए ये कुछ बातें या आपको याद रखनी थी घुलनशीलता के बारे में उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सच आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं मिश्रण के पृथक्करण की विधियां मिश्रण के पृथकन की विधियां पृथक करण की विधियां पृथककरण का मतलब है अलग अलग करना यानी जैसे दो पदार्थ मिले हुए हैं उनको अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं उसकी कुछ विधियां हैं उन विधियों के बारे में चर्चा करते हैं साथियों डायरेक्ट आपके एग्जाम आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप गलत करके आते हो क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ये इसलिए हमें अच्छे से समझना है अच्छे से याद करना है जिसकी हमारा हमेशा के लिए झंझट है वो खत्म हो जाए तो चलिए सबसे पहली विधि की बात करते हैं एक नंबर जो विधि है पहली विधि है उसका नाम है निष्यंदन विधि निष्यंदन विधि निषन का मतलब फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन विधि यानी जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना निशंद का मतलब होता है छानना छानने की जो विधि है उसको हम कहते हैं विधि और साथियों एक एनसीआर के नाइन क्लास में ये दे रखा है रूप से लिख रखा है साथियों कि जो ब्लड है ब्लड यानी जो खून है ब्लड जो है वो हमारे किडनी के द्वारा ब्लड का किडनी के द्वारा शुद्धिकरण होता है किडनी के द्वारा क्या होता है शुद्धिकरण यानी उस ब्लड के अंदर यूरिया उस ब्लड के अंदर सीओ टू वगैरह मिली होती हैं तो हमारी किडनी उस ब्लड में से यूरिया को बाहर निकालने का काम करती है यानी जो ब्लड था उसमें यूरिया और ब्लड आपस में मिले हुए थे वो एक प्रकार का मिश्रण था और उस ब्लड में से हमने बाहर क्या निकाला उस ब्लड में से हमने यूरिया को बाहर निकाला किसने किडनी ने तो किडनी ने कौन सी विधि काम में ली निशन विधि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें किडनी होती है किडनी के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है नेफ्रॉन वर्काणु और वो वर्काणु क्या करता है मूत्र का निर्माण करने का काम का करता है तो वो इस प्रकार से छाणने का काम का करता है हमारे रक्त को हमारे खून को हमारे ब्लड को छाणने का काम का का करता है तो उसमें से जो यूरिया वो बाहर आ जाता है और जो पदार्थ हैं वो वापस खून में मिलकर के वापस हमारे शरीर में चले जाते हैं तो कौन सी विधि के द्वारा छाण कौन सी विधि के द्वारा शुद्ध होता है हमारा खून किडनी के द्वारा तो साथियों उस विधि का नाम है विधि, फिल्ट्रेशन विधि फिल्ट्रेशन विधि या फिर विधि के द्वारा हमारा जो रक्त है वो किडनी के द्वारा शुद्ध होता है चलिए आगे बात करते हैं और जो बरसात का जो जल है बरसात का जल बरसात का जो जल है उसका भूमिगत जल में मिलना भूमिगत जल में मिलना ये भी कौन सी विधि के द्वारा होता है साथियों फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा होता है निस्ंदन विधि के द्वारा होता है बारिश होती है छोटे छोटे जलाश से तैयार हो जाते हैं और वो नीचे भूमिगत जल में जाके मिल जाता है कुछ दिनों के बाद तो वो कौन सी विधि के द्वारा मिलता है जाके फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा क्योंकि तो हमारी जो मर्दा है हमारी जो मिट्टी है उसमें कण पाए जाते हैं और वो कण उसको छाणने का काम करते हैं उस जल को इसका मतलब ये फिल्ट्रेशन विधि यहाँ पर काम आई है निश्यंदन विधि यहाँ पर काम आई है छाणने की विधि यहाँ पर काम आई है तो साथियों नींद आ रही है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्षमा चाहूंगा साथियों पढ़ना पड़ेगा आपको अपनी मम्मी पापा के लिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं उनके भी कुछ ख्वाब हैं बहुत आपके लिए बहुत कुछ किया है अब आपकी बारी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करने की इसलिए साथियों जोश भरना होगा अगर नींद आ रही है भूख लगी है प्यास लगी है सबको भूलना पड़ेगा तपना पड़ेगा एक साल के लिए और एक साल अगर तप लिए उसके बाद देखना साथियों आप में से वो एक इंसान बाहर निकलेगा जिसको सब लोग प्यार करेंगे अभी तो आपको सारे लोग आपको दुद्क देते हैं क्योंकि हम अनसक्सेसफुल हैं और जिस दिन सक्सेस हुए ना साथियों उस दिन देखना दुनिया में पूछेगी और दुनिया हमसे सलाम करेगी लेकिन उस दिन के लिए साथियों में पढ़ना है जिस दिन दुनिया हमें सलाम करे उस दिन के लिए पढ़ना है साथियों किसी ने कहा है कि जेब में गांधी हो न हो लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो दिल में आंधी भर लीजिए साथियों आंधी तूफान भर लीजिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने से रोने से कुछ नहीं होगा पढ़ना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद देखना साथियों जिंदगी का नज़ारा ही कुछ अलग होगा इसलिए खड़े होइए उठिए और अभी लग जाइए अपने मुकाम को पाने के लिए और आपका भाई आपके साथ है केमिस्ट्री आपको करवा रहा है बायोलॉजी आपको करवा देगा फिजिक्स भी करवा देगा साइंस की टेंशन खत्म और भी मेरे साथी बहुत सारे होंगे जो फ्री में आपको पढ़ा देते हैं और पढ़ाते भी हैं उनसे पढ़ लो और सब्जेक्ट और अपना मुकाम ऊंचा देखो अपना देखो और उस रास्ते पे चलो साथियों और उसके बाद मंजिल जो है मंजिल वो आपके कदमों के नीचे होगी और उस मंजिल के ऊपर आप होंगे उस दिन आएगा साथियों जीने का मजा सोने का मजा खाने का मजा पीने का मजा तब तक कुछ नहीं है साथियों हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल सुखी पड़ी हमारी ज़िंदगी कुछ करना है तो करना है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि का जो नाम है साथियों इससे अगली विधि उसका नाम है आसवन विधि आसवन विधि के बारे में बात करते हैं आसवन विधि क्या है सबसे पहले बात आती है आसवन क्या होता है आसवन है क्या तो साथियों मैं आपको बता दूं आसवन का मतलब होता है किसी द्रव का किसी द्रव को भाप में बदलकर वापस ठंडा करना वापस ठंडा करना आपका आसवन कहलाता है किसी पदार्थ को भाप बना दिया और उसको वापस ठंडा कर लिया उसको कह दिया हमने आसवन तो आसवन जो विधिया साथियों इसके द्वारा आसूत जल तैयार होता है आसूत जल आसूत जल तैयार होता है प्रश्न साथियों बहुत बार पूछा गया है कि आसूत जल का जो शुद्धिकरण है वो किसके द्वारा होता है या फिर आसूत जल का निर्माण किसके द्वारा होता है या फिर आसूत जल को तैयार किसके द्वारा किया जाता है तो उस विधि का नाम है आसवन विधि उस विधि का नाम है आसवन विधि अब कुछ आसूत जल के बारे में बात करते हैं आसूत जल क्या है तो साथियों आसूत जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है और इसका जो पीएच मान है इसका पीएच मान साथियों वो सात होता है पीएच मान बहुत बार पूछा गया है कि आसूत जल का शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है तो आसूत जल का जो पीएच मान है साथियों वो होता है सात यानी कहने का मतलब ये उदासीन प्रकृति का होता है ना तो ये अमली होता ना तो ये एसिड एसिड होता ना ये बेस होता ना तो ये क्षार होता ना अमल होता ये उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच मान सात है ये पीएच के बारे में आगे करवाऊंगा आपको और साथियों विद्युत का कुचालक होता है यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है विद्युत का कुचालक ओ हो इसमें करंट नहीं आता साथियों आसुत जल में करंट नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि इसके अंदर आयन नहीं है इसमें आयन नहीं है आयन बोले तो प्लस माइनस इसमें नहीं है जैसे ये अगर अमल होता तो इसके अंदर एच प्लस होता अगर ये क्षार होता तो इसमें एच माइनस होता यानी इसमें प्लस भी होता या फिर माइनस होता इनमें से एक होता लेकिन साथी इसमें ना तो ये प्लस है ना ये माइनस है यानी ये उदासीन है, इसके इलेक्ट्रॉनों मतलब तो की जरूरत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी कोई पदार्थ चालक होता है या तभी उसमें करंट आता है तो इस आसूस जल में करंट नहीं आता होता है यह बात थी आसवन विधि की इसके बाद हम बात करते हैं साथियों प्रभाजी आसवन की तीन नंबर प्रभाजी आसवन प्रभाजी आसवन क्या है तो साथियों इस प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा जो पेट्रोलियम जो पदार्थ है पेट्रोलियम पदार्थ उनका शुद्धिकरण करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का जो शुद्धिकरण है वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थों का जो शुद्धिकरण साथियों वो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थों का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ से हमें प्राप्त हो गया एलपीजी हमें प्राप्त हो गया पेट्रोल हमें प्राप्त हो गया केरोसिन केरोसिन हमें प्राप्त हो गया डीजल हमें प्राप्त हो गया स्नेहक जैसे ग्रीस बोलते हैं हमें प्राप्त हो गया वेसलिन वेसलिन ये जो सारे के सारे पदार्थ हैं साथियों ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम एक गाढ़ा काले रंग का पदार्थ होता है जो पृथ्वी की भू प्रपर्टी से निकाला जाता है उसका शुद्धिकरण करने के लिए इन पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं प्रभाजी आसन विधि काम में लेते हैं अच्छा प्रभाजी आसवन जो विधि है साथियों प्रभाजी आसवन विधि के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एन का उपयोग किया जाता है यानी इनका शुद्धिकरण करते समय इस एनएच को सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको मिलाया जाता है इस विधि में इसको काम में लिया जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थों का शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है ये बात है साथियों प्रभाजी आसवन विधि की यह हमारी तीसरी विधि है प्रभाजी आसवन इसके बाद हम जो बात करते हैं साथियों चार नंबर वो बात करते हैं, की। या फिर की, की बात करते हैं। इसके द्वारा किसका निश, किसको अलग अलग किया जाता है तो साथियों क्रिस्टल विधि के द्वारा क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ठोस प्लस द्रव पदार्थ अगर मिले हुए हैं ठोस के साथ में अगर द्रव मिला या फिर द्रव के अंदर ठोस मिला है तो उनको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम मिलेंगे या किस लिखण विधि काम मिलेंगे ठोस पदार्थ में हमने जल मिला दिया या फिर किसी द्रव पदार्थ में या किसी जल में हमने कोई ठोस पदार्थ मिला दिया तो उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम मिलेंगे कृष्ण लिखण विधि काम मिलेंगे जैसे आपको याद रखना है समुद्री जल से समुद्री जल से नमक तैयार करना समुद्री जल से जो नमक तैयार किया जाता है साथियों वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा किया जाता है ये सारे के सारे जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ये सारे के सारे एग्जाम्पल साथियों इसके हैं एनसीआर के हैं तो इनसे बाहर आपसे नहीं आएगा आपसे नहीं पूछा जाएगा ध्यान रखना समुद्री जल का जो समुद्री जल है उससे जो नमक तैयार होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा होता है ये बात आप ध्यान रखोगे इसके बाद हम बात करते हैं पांच नंबर विधि की जिसका नाम है उर्द्व विधि उर्द्व विधि की बात करते हैं और मैंने आपको पीछे बताया भी था शायद पहली क्लास में मैंने बताया था कि उर्द्व पदार्थ कौन कौन से होते हैं जैसे आपका कपूर हो गया आयोडीन हो गया आयोडीन ठोस सियोटू हो गया ठोस सियोटू इसके जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं शुष्क बर्फ़ बोलते हैं इसके बाद आपका नेफ्तलिन हो गया नेफ्तलिन है ना उसके बाद अमोनियम क्लोराइड हो गया अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड जिसको हम एनएस फोर्सियल बोलते हैं एनएस फोर्सियल या फिर इसी का दूसरा नाम है नोसादर नोसादर तो इन पदार्थों को किसी पदार्थ से अलग करने के लिए इन पदार्थों को किसी पदार्थ से अलग करने के लिए हम कौन सी विधि दिका में लेते हैं उर्द्वा पात्र में भी में लेते हैं जैसे मान लो कि ये पदार्थ है कोई ये मान लो हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र में हमने कोई द्रव पदार्थ मिला रखा या कोई और पदार्थ है और इससे इस, इस पदार्थ के अंदर हमने क्या मिला दिया इस पदार्थ के अंदर हमने मान लो सीओ ठोस सियोटू मिला दिया ड्राई आइस मिला दी इसके अंदर ड्राई आइस बोले तो ठोस सियोटू इसके अंदर हमने ठोस सिय टू मिला दी तो साथियों ठोस सीओ टू को अलग करने के लिए और उस द्रव पदार्थ को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि काम मिलेंगे उर्द्व उपातन विधि काम मिलेंगे यानी इसको गर्म करेंगे तो ठोस सीओ टू क्या करेगी ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगी गैस अवस्था में चेंज हो जाएगी और उस गैस को हम इकट्ठा कर लेंगे वो हमारी ड्राई आइस अलग हो जाएगी और वो जो पदार्थ बचा है वो पात्र में वो अलग रह जाएगा इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है शुद्धिकरण हो जाता है या इसका पृथककरण हो जाता है तो ये उर्द्व विधि है इसके बाद साथियों बात करते हैं छः नंबर जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा किन का पृथककरण करते हैं किन चीजों का पृथककरण करते हैं तो साथियों रंगों का पृथककरण करने के लिए रंगों का जो पृथककरण है वो कौनसी विधि के द्वारा होगा तो वो होगा आपका क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्रोमेटो का <wives> मतलब रंग होता है यानी रंगों को अलग अलग करने की जो विधि है उनको कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी जैसे मान लो एक पट्टी है उस पर कई रंग हैं लाल पीला हरा बहुत सारे रंग हैं उन रंगों को अलग अलग प्राप्त करना है तो हम कौन सी विधि काम मिलेंगे क्रोमेटोग्राफी काम मिलेंगे और साथियों इस विधि के अंदर किसका उपयोग किया जाता है तो इस विधि का इस विधि के अंदर जो उपयोग किया जाता है वो सिलिका जेल का किया जाता है सिलिका जेल का ये प्रश्न पूछा गया एक बार कि क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है उसमें रंगों का हम क्या करते हैं पृथककरण करते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं तो उसमें हम प्रयोग करते हैं सिलिका जेल का और साथियों ये जो विधि है ये अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करती है अधिशोषण के सिद्धांत पर यह अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करती है यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है तो याद रखोगे जो अधिशोषण है उसी के सिद्धांत पर काम करती है हमारी क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी के द्वारा क्या होता है रंगों को अलग अलग किया जाता है इसमें सिलिका जेल का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं ये कुछ बात है साथियों इसके बारे में क्रोमेटोग्राफी के बारे में यहां तक क्लियर हो गया होगा ये पृथक की विधियां थी मिश्रण को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं ये मिश्रण का टॉपिक था अब मैं आपको एक, एक एक्स्ट्रा बात बताता हूं जो आपको स्टार लगा के अच्छे से याद रखनी है और वो बात करते हैं विशरण के बारे में मेंिसरण क्या चीज है नोट्स बना लीजिए साथियों बड़ा अच्छा कंटेंट है मजा आपको आएगा एक बार पढ़ के देखो साथियों और बार बार इनका रिविजन करना आपके जहन में उतर जाएगी केमिस्ट्री ये आपके भाई का दावा है आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे मेहनत करनी पड़ेगी वरना कुछ नहीं है मिश्रण की बात करें मिश्रण विसरण क्या है क्या है तो विश्रण का मतलब होता है गैस का गैस, गैस का गैस में मिलना गैस का गैस में मिलना गैस का गैस में मिलना क्या कहलाता है विसरण कहलाता है विश्रण और साथियों इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं जैसा जैसे जो गर्म खाना है गर्म खाना गर्म खाना उस गर्म खाने की जो सुगंध है सुगंध वो कमरे के अंदर फैल जाती है कमरे के अंदर जो फैल जाती है वो किस गुण के कारण फैलती है इस विसरण के कारण फैलती है प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि गर्म खाने की सुगंध हमारे कमरे में चारों ओर फैल जाती है वो किस विधि के किस के द्वारा फैलती है किस गुण के कारण फैलती है तो साथियों विसरण के कारण फैलती है इसी प्रकार से जो हमारी सेंट है इतर, इत्र यानी जो सेंट है सेंट की जो सुगंध है वो भी हमें दूर से ही पता लग जाती है या उसकी सुगंध भी फैल जाती है तो वो भी किसके कारण विसरण के कारण इसी प्रकार से मल मूत्र की जो बदबू है मल मूत्र की जो बदबू है मूत्र और मल की जो बदबू है साथियों दुर्गंध जो है बदबू वो भी फैल जाती है किसके कारण विसरण के कारण विसरण के कारण ये भी विसरण के कारण फैल जाती है और साथियों मैं आपको बता दूं विसरण जो है ना किसका ही नहीं पाया जाता ये गैसों का एक प्रकार का गुण है और साथियों मैं आपको बता दूं, कि अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तापमान में क्या करेंगे वृद्धि करेंगे तो तापमान में वृद्धि करने से ये जो विसरण है ना विसरण ये बढ़ता है का गुण बढ़ता है। जैसे मान लो आपका खाना बिल्कुल ठंडा है तो उस खाने की सुगंध आपको नहीं, नहीं पता लगेगी लेकिन उसी खाने को आपने गर्म कर लिया उसी भोजन को आपने गर्म कर लिया उसके कारण उसकी विसरण की दर बढ़ गई जिसके कारण वो चारों तरफ फैल गई और हमें उसकी सुगंध आने लगती है ठंडे खाने की हमें सुगंध नहीं आती दूर से क्यों क्योंकि उसके अंदर विसरण का गुण नहीं है तापमान अगर आप बढ़ाओगे तो विसरण का गुण बढ़ेगा तो हमें उसकी सुगंध पता लगेगी इसका मतलब तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है तापमान में वृद्धि करने पर विसरण का गुण बढ़ता है तो ये था साथियों मिश्रण का टॉपिक और एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई विसरण के बारे में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इसके बाद जो हम, हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिश्रण के गुण सॉरी मिश्रण के प्रकार जैसे वास्तविक विलियन विलियन पढ़ेंगे उसके बाद भी आपके कई प्रकार के हैं जैसे वास्तविक विलियन उसके बाद आपका आएगा निलंबन उसके बाद आएगा आपका कोलाइडी विलियन क्योंकि विलियन एक प्रकार का विलियन वो एक प्रकार का आपका मिश्रण है तो मिश्रण में एक पार्ट है मिश्रण का एक पार्ट है विलियन और विलियन के कुछ पार्ट हैं वास्तविक निलंबन निलंबन और आपके कोलाइड तो कोलाइड का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं वो हमें अच्छे से करना है तो इससे आगे जो हम करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही आज की इस क्लास में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मज़ा आपको आया होगा साथियों बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ें पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी अगर अभी आपको कोई कमी लग रही है तो बिल्कुल आपका सुझाव आमंत्रित है इसमें कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा किसी भी प्रकार का आपका सुझाव है वो मेरे लिए स्वीकार्य है आप कमेंट करके बता सकते हैं आप मेरे को फेसबुक पे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं टेलीग्राम पे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे बता सकते हैं आपका मन करे वहाँ पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कॉल करके भी बता सकते हैं लेकिन साथियों जो आपको कमी दिखाई दे रही है उसके बारे में आप मुझे बताएं अवगत कराएं जैसे कि आप में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और मेरे अंदर सुधार हो जिसे कि हम और आगे बढ़ पाएँ साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए थैंक यू